हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई शर्त नहीं है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। मैं इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ और सब लोग, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में वीडियो बना के डालता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा, आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। कुछ फ्रेंड होंगे, बहुत से कम ऐसे फ्रेंड होंगे जिनको ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा क्या है, ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कीनिया का नाम सुना ही होगा। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कीनिया गए भी होंगे और कीनिया जाते भी होंगे। नैरोबी कीनिया की राजधानी है। उसके साथ साथ एक उसके बगल में कंट्री है, उसका नाम है युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो युगांडा में काम भी करते हैं, उनके फैमिली के लोग काम करते हैं। कीनिया में भी बहुत से लोग काम करते हैं। और उसके बगल में एक कंट्री है रिवांडा। रिवांडा का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक छोटा सा कंट्री है और कई सारे बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। कंट्री बहुत छोटा है और करेंसी भी लो है, लेकिन काफ़ी लोग काम करते हैं, ठीक है। और मैं बात करता हूँ कि अभी तक क्या था कि ये जो तीन कंट्री हैं, केनिया और युगांडा और रिवांडा, इन तीनों कंट्रियों में आपको जाने के लिए आप किसी भी, अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको क्या करना पड़ता था कि आपको इन कंट्रियों का अलग अलग वीज़ा आपको लेना पड़ता था, ठीक है। मतलब ये कि आप अगर केनिया जा रहे हो तो आपको केनिया का वीज़ा, आप युगांडा जा रहे हो आपको युगांडा का वीज़ा, आप रिवांडा जा रहे हो आपको रिवांडा का वीज़ा। वीज़ा पॉलिसी जो इन लोग का है वो बहुत ही ईजी है। ये ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल देते थे। तो केनिया जो था वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल देता था, साथ ही साथ ई वीज़ा देता था। $50 केनिया का जो ई वीज़ा था उसका चार्ज था, और ऐसे ही युगांडा और रिवांडा का भी चार्ज $50 था और ई वीज़ा था। ये तीनों कंट्रियाँ हैं जिनके वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिला हुआ है कि आप किसी भी कंट्री को, चाहे आप इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश या नेपाल, किसी भी कंट्री को। कई सारे सब्सक्राइबर मेरे अलग अलग कंट्री में रहते हैं तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं उनका आंसर देता हूँ। तो जो प्राइस था वो एक ही था, पर $50 पड़ता था, और जो वीज़ा पॉलिसी था वो काफ़ी इजी था, लोगों को वीज़ा मिल जाता था बहुत ही आसानी से। तो लोग क्या करते थे, जैसे आपको कीनिया जाना है तो आप कीनिया जा रहे हो, कीनिया से अगर आपको कीनिया का आपने वीज़ा $50 का लिया तो वो आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री आपने लिया। लेकिन फिर क्या था कि अगर आप युगांडा जा रहे हो तो युगांडा का आपको अलग वीज़ा लेना पड़ेगा, रिवांडा जा रहे हो तो आपको रिवांडा का अलग वीज़ा लेना पड़ेगा। तो हर कंट्री का आपको अलग अलग वीज़ा लेना पड़ता था। और बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जो कीनिया घूमे हैं और मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो घूमते हैं, बहुत से इंडियंस हैं जो वहाँ पे अपना खुद का बिजनेस भी किए हैं, और काफ़ी सारे गुजरात के लोग हैं जो कीनिया में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। बहुत से लोगों के पास कीनिया की सिटीजनशिप भी है और वहाँ का PR भी है। तो कीनिया बहुत ही अच्छा कंट्री है और रहने के लिए बहुत ही ठीक कंट्री है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्राइम नहीं है, और वहाँ का जो जंगल उंगल काफ़ी खूबसूरत है, और नेचुरल ब्यूटी कीनिया में बहुत ही ज़्यादा है, और एक बहुत ही बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। लेकिन अभी तक क्या था कि जो कीनिया का जो हम लोग को जो वीज़ा था वो कीनिया का वीज़ा $50 का लेते थे, और आपको स्टिकर वीज़ा मिलता था। आप चाहो तो ई वीज़ा भी ले सकते थे, स्टिकर वीज़ा भी ले सकते थे, और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता था, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं था। ऐसे ही युगांडा का था, युगांडा का भी वीज़ा आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता था और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपका लगता नहीं था। और बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि डॉक्टर की जॉब या फिर नर्स की जॉब, और कई सारे लोग कंस्ट्रक्शन में, और कई सारे जॉब युगांडा में इंडियंस हैं जो वहाँ पे बिज़नेस करते हैं और अच्छा खासा जॉब करते हैं। तो युगांडा भी बहुत सारे इंडियंस काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ काफ़ी काम कर भी रहे हैं। तो युगांडा का भी जो वीज़ा पॉलिसी था वो इंडिया के लिए और बाकी जो पासपोर्ट होल्डर हैं, मतलब सभी कंट्रियों के लिए बहुत ही ईजी है वीज़ा मिलना, और बहुत ही आसानी के साथ में लोग वीज़ा ले लेते थे।
और युगांडा भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, मतलब लोग काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं फार टूरिज़्म के लिए, और वहाँ घूम के आते हैं, और काफ़ी कुछ देखने के लिए युगांडा में है। तो अगर आप युगांडा जा रहे हो तो बिल्कुल आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो युगांडा, ठीक है। और बस इन कंट्रियों में दिक्कत क्या है, इन कंट्रियों का जो फ़्लाइट का टिकट है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। जैसे कि आप इंडिया से युगांडा जा रहे हो तो आपको जो फ़्लाइट का टिकट जो मिलेगा वो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, और इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा नहीं जाते हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूँ युगांडा की, तो युगांडा भी एकदम टच है युगांडा के, और यहाँ का भी जो फ़्लाइट का टिकट है वो काफ़ी महंगा है। तो होता क्या था कि अगर आप जा रहे हो युगांडा से आपको रिवांडा जाना है या रिवांडा से आपको केनिया जाना है, तो फिर ये लोग करते क्या थे कि वो दो तीन कंट्रियों के, जैसे कि आपको युगांडा और रिवांडा जाना है तो आपने युगांडा रिवांडा और साथ ही साथ केनिया का वीज़ा निकाल लिया, तो फिर आप केनिया से युगांडा चले गए बस से, और युगांडा से रिवांडा चले गए, क्योंकि बाय बस आप जा सकते हो, रोड से आप एक देश से दूसरे देश पर एंटर कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घूम सकते हो, टहल सकते हो, और आपका जो बिज़नेस है वो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस था, लेकिन इसमें क्या था कि बस आपको ये है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आप तीन कंट्री का वीज़ा अलग अलग ले रहे हो तो फिर आपको पहले से तो मल्टीपल एंट्री चाहिए, और ये जो अफ्रीकन कंट्रियाँ हैं इनका जो वीज़ा है वो काफ़ी हाई चार्ज रहता है, कोई $50 से नीचे किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं रहता है। तो सबसे ख़ास बात जो है वो यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा क्या है इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं, और हर चीज़ आपसे एक्सप्लोर करूँगा। तो फ्रेंड्स ये है ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा, कि जिसमें क्या है कि तीन कंट्री है, एक आपका कीनिया हो गया, एक आपका युगांडा हो गया, और एक आपका रिवांडा हो गया। इन तीनों कंट्रियों ने, जैसे कि यूरोप में होता है कि आप एक वीज़ा लेके आप पूरे यूरोप में कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, वैसे ही इन कंट्रियों ने जो नया रूल और रेगुलेशन जो लेके आए हैं वो इनका रूल ये है कि आप ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा ले लीजिए, और उस एक वीज़े से आप किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हो। और ये जो ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा है, तो ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा लेके आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हो, मतलब ये है कि अगर आपने ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा ले लिया तो आपको कई सारे वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप फिर हर कंट्री का अलग अलग वीज़ा लो, आपको युगांडा का अलग वीज़ा लेना है, रिवांडा का अलग वीज़ा लेना है, केनिया का अलग वीज़ा लेना है। तो इन्होंने क्या किया है, एक दो कंट्री ने मिलकर ये सिस्टम किया कि $100 का हमारा वीज़ा पड़ेगा, और $100 का अगर आप वीज़ा लेते हो ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट, अगर अपने आप पासपोर्ट पर लगवा लेते हो तो आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगी 90 डेज़ के लिए। उसके साथ साथ आपको मल्टीपल एंट्री, और आप केनिया, रिवांडा और युगांडा किसी भी कंट्री में आप विजिट कर सकते हो, बिना रोक टोक के आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मतलब आप अगर आप फुटकर पर लेते हो, आप केनिया का अलग लेते हो, युगांडा का अलग लेते हो, रिवांडा का अलग लेते हो, तो इसमें आपका मनी लॉस होता है, ठीक है। आप अलग अलग वीज़ा लेते हो, अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और आपको अलग अलग बैंक के स्टेटमेंट और दुनिया भर का जो पड़ता है, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूँगा, तो उन सब से आपको फुर्सत मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन है अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, चाहे आप केनिया हो, चाहे युगांडा हो, चाहे रिवांडा हो, तो जो ये आप जो रूल है इस अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा, ये आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका ये कम पैसे में आपका, ठीक है, $100 में आप एक तो ले लोगे, उसके बाद फिर आपको जहाँ भी जाना होगा इन तीनों कंट्री में आप घूम सकते हो बाय बस। और बस जो है सबसे ईजी है आपके लिए, आपके घूमने के लिए। और अगर आप फ़्लाइट से जाते हो तो फ़्लाइट अफ्रीका में काफ़ी महंगा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग के, आप अगर मलेशिया में हो, मलेशिया से आपको इंडोनेशिया जाना है, या फिर थाईलैंड जाना है, या कंबोडिया, वियतनाम जाना है, तो एयर एशिया ऐसी सस्ती फ़्लाइट है, आप बहुत ही आसानी से वहाँ घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्रियों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर बजट एयरलाइन बहुत कम है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बताइएगा कि कौन कौन अफ्रीका गया है, कौन कौन अफ्रीका की कंट्रियों में विजिट किया है, और अगर आप गए हो तो किस कंट्री में गए हो, आप इसके बारे में मुझसे ज़रूर बताइएगा, और अपने जो कीमती विचार हैं उसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी जाना चाहते हो
अफ्रीका घूमने के लिए, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप कीनिया, युगांडा या रिवांडा किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा ज़रूर लीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ और इस चैनल पर अपडेट करता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।